मेहरबान कदरदान, मैं हूँ आपकी होस्ट मायरा खान। सिस्टम कब तक आवाम का खून निचोड़ेगा, कोई अपने पैरों की मट्टी नहीं छोड़ेगा। कोई ना दिखाए होशियारी, क्योंकि खुलने वाली है क्या कहूँ की पचारी। वज़ीरे आज़म का कहना है कि मुल्क में इशाए ज़रूरत की कोई कमी नहीं, बस पता नहीं चल रहा कि पड़ी कहाँ है। हकूमत जब 50 लाख घर बना ले तो उस खातून को ना भूले जिसकी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं। अरे भाई, ऐसे गरीबों की मदद करना हकूमत का फर्ज तो बनता है ना। राजस्थान के वजीर राजेंद्र सिंह गोदा का कहना है कि सड़कें कैटरीना कैफ के गालों जैसी होनी चाहिए। यानी राजस्थान की सड़कों की अब कॉस्मेटिक सर्जरी हुआ करेगी। और सुनिए, इफ्फत उमर ने शोबिज से रिटायरमेंट लेने का ऐलान कर दिया है। हैं? यानी इफ्फत उमर की उम्र 60 साल हो गई है? हाँ भाई, क्योंकि उससे पहले रिटायरमेंट बनती नहीं है ना। अगर कम बोलने की आदत डालना चाहते हैं ना, तो गालियां देना छोड़ दें। यकीन माने, लोग आपको गूंगा समझेंगे। आइए देखते हैं नाजरीन, आज की पटारी में आपके लिए क्या क्या है। मुझे शायर लोग अच्छे नहीं लगते। हैं? शायर पसंद नहीं? मैं फिर चिंगची जलाने वाला बन जावा? ये तेरी मर्जी है वीरा। वो तो कहता है कि मैं खर्चा देता हूँ और तुम कहती हो कि नहीं देता है। मैंने खर्चा तो मांगा ही नहीं था। हैं? मैंने तो पैसे मांगे थे। खवातीन के शादियों पर ज्यादा बांध संवर कर जाने पे पाबंदी आयद की जाए। जी पर सही क्यों हूँ? खवातीन शादियों पे ज्यादा बांध संवर कर जाती हैं और फिर एक दूसरे से जलती हैं, इसकी वजह से फिजाई आलूदगी में इजाफा होता है। हाँ, कितना खूबसूरत मौका था हुकूमत गिराने का, लेकिन इत्तेहादियों ने वो किया जो सेमीफाइनल में हसन अली ने किया था। ओए कोरोना दे दरमियान 13 साल तुहानो घर बैठा के खवाया है, हले भी तुहानो बधाई चाहिए है। और तुहाडा फर्स्ट ऐसा दा हक के हक के भाई हक के हक के भाई हक के साडा हक एथे रख। बीना जी, बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचा है आपने? बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में तो हमारी यू नो गवर्नमेंट नहीं सोच रही, तो मैं कैसे सोच सकती हूँ? बीना जी, मैं आपके अपने बच्चों की बात कर रहा हूँ। यू मीन माई किड? देखिए जी, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल तो यू नो मेरे चेहरे की तरह रोशन है। अभी तक तो आपने एक से बढ़कर एक सेगमेंट देखे हैं, लेकिन ये सेगमेंट देखने के बाद आप हंसने पे मजबूर हो जाएंगे। तो देखें कौन सा सेगमेंट है। आज मैं बहुत खुश हूँ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे तुम जैसी हसीन और जमील बीवी मिलेगी। पता है, यकीनन मैंने कोई बहुत बड़ी नेकी की होगी जो मुझे तुम जैसी बीवी मिली है, वरना जैसे मेरे काम थे ना, मैंने कर्नानी चुड़ैल का जेन बना रखा था। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? बोलो बोलो ना। वो मेरी सहेलियों ने कहा था कि मुंह दिखाई के बाद ही बात करना। फिर घूंघट क्यों ओढ़ा हुआ है? मुंह को ताला लगा लेती। कोई बात करोगी तो मैं फैसला करूंगा ना कि मुंह देखना है कि नहीं। आप भी कोई ऐसी बात करें ताकि मैं फैसला करूं मैंने मुंह दिखाना है या नहीं। आज तो वो गीत गाने को दिल कर रहा है। मैं जो शायर कभी होता तेरा सहरा कहता, चांद को चांद न कहता तेरा चेहरा कहता। मुझे शायर लोग अच्छे नहीं लगते। हैं? शायर पसंद नहीं? मैं फिर चिंगची जलाने वाला बन जावा? ये तेरी मर्जी है वीरा। मेरा मतलब, आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं?
तुम्हारे लिए अनकरीब मैं घर वालों की नजरों में बुरा बनने वाला हूँ, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। वो तो सभी बनते हैं, डू समथिंग डिफरेंट। वक्त से पहले कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ इतना पता है कि तुम्हें इतना खुश रखूंगा कि लोग तुम्हारी किस्मत पे रश्क करेंगे। क्या आप मुझे रोजाना कुतकुतारियां करेंगे? पता है मेरा बचपन से एक ख्वाब था कि मैं दुनिया घूमूं। तो शादी करने की बजाय एयर होस्टल बन जाती। आप भी ना कह नहीं सकते थे कि घुमा दूंगा? ये बात सुनकर तो मैं खुद घूम गया हूँ, कैसे कह दूं? जाए, मैं नहीं बोलती आपसे। इसको खुश करने के लिए क्या कर सकता हूँ? हाँ आइडिया, मेरी मुट्ठी में बंद है क्या, बता दो ना। सोने की अंगूठी होगी और क्या? फिर पूछो। गोल्ड रिंग नहीं तो डायमंड रिंग होगी, और क्या हो सकता है? अपने दिल को थाम लो, तुम्हारी धड़कन तेज होने वाली है। चिलगोजा? हाँ चिलगोजा, वो भी 24 कैरेट का। हाय, वाकई अब दुनिया के बेस्ट हस्बैंड हो। कहते हैं कि घर की माली हालत ठीक ना हो तो घर में लड़ाइयाँ झगड़े होते रहते हैं, लेकिन अगर माली हालत मजबूत हो तो फिर भी लड़ाई हो जाती किसी और बात से, क्योंकि लड़ने वालों को लड़ने का बहाना चाहिए। थाना शुगलपुरा में भी ऐसा ही एक केस आया है, जहां एक बीबी अपने शोहर के तशद्दुद की शिकायत लेकर पहुंच गई है। देखते हैं कि इंस्पेक्टर बुलबुल राणा उसके शोहर का क्या हाल करती हैं। ओए चल मेरी बहन, चुप कर जा और मुझे ये बताओ कि तुम्हें तुम्हारे खामद ने क्यों मारा था। ओए ओए, एक तो मुझे आंसू। एडी जी, और टिश्यू पकड़ा। अच्छा जी, ये जी। ओए पागला, ओए रो कौन रहा है? सॉरी जी। उधर पकड़ाओ टिश्यू। हद हो गई। ओए ओए, रोई जा रही है, अब बस कर दो, चुप कर जो। एडी और पानी पिला उसको। अच्छा जी। रुके, अनार का जूस ले आइएगा, वो भी विदाउट शुगर। ओए मेरी बात सुनो, ओए तुझे अपने खावन से मार पड़ी है या फिर खून दी गड़बी कड़ी उन्हें, हैं? मैडम जी, ये बताएं क्या मैं दोनों में से किसकी मानूं? ओए तुम्हारा दिल क्या कहता है एडी? मेरा दिल मैडम जी डामाडोल ही है। डामाडोल है तेरा दिल? इधर आ जरा। मैडम जी आप मारेंगी तो नहीं? ओए होए, मैं नहीं मारूंगी, आ तो सही तू जरा। अरे अरे पागला, अरे अफसर मैं हूं कि ये हैं आप जी? तो फिर खिलौता रहा राम नाल। हाँ दो हो गई है। अच्छा जी। अरे बेबी, अरे बीबी चुप कर जो, अभी मैंने जेडी को भेजा है, वो तुम्हारे खावंद को कान से खींच के लेके आएगा। वैसे मुझे एक बात तो बताओ, और ये झगड़ा शुरू कैसे हुआ था? होना क्या है जी, पैसे मांगे थे, उसने लड़ना शुरू कर दिया मुझसे। ओए होए, ये तो बहुत ज्यादती है भाई। कोई गल नहीं, आने दो उसे, उसे ऐसा शुद्ध करूंगी ना कि पैर तो पिएगा तेरे। मैडम जी आप किसी दिन मेरी बीवी को भी बुला लें। क्यों भाई, तेरा भी पैर तो पीनू दिल करता है? चलो चलो लागो। सर जी मेरी बात तो सुने यार। सर जी मैंने कुछ नहीं किया। तो ये है तुम्हारा खावंद नाम मुराद हैं? जी। अच्छा जी, तो ये सब तुम्हारा किया दर है? आए, एक तो तू अपनी बीवी को खर्चा नहीं देता, ऊपर से तू उस पे हाथ भी उठाता है, मारता से, तुझे शर्म नहीं आती? ओए बदबख्ता, ओए बीवी के साथ अच्छे सलूक से पेश आते हैं। मैडम जी किसने कहा है मैं इसको खर्चा नहीं देता? आए इसने कहा है, और मैं कोई यहाँ पे नजूमी लगी हुई हूँ? ओह मैडम जी, मैं कुछ करूँ या ना करूँ, इसको खर्चा भी पूरा देता हूँ और राशन भी डाल के देता हूँ। और मेरी बात सुनो बीबी,
वो तो कहता है कि मैं खर्चा देता हूँ और तुम कहती हो कि नहीं देता है। मैंने खर्चा तो मांगा ही नहीं था। हैं? मैंने तो पैसे मांगे थे। और पहले तुम मुझे ये बताओ कि पैसे और खर्चे में फर्क क्या होता है? खर्चा तो घरेलू अखराजात के लिए होता है, पैसे मैंने अपने लिए मांगे थे। हाँ जी, अब समझ आई मैडम जी आपको? ओ भाई, मुझे तो चकरा के रख दिया तुम लोगों ने, हाथ धो गई है। मैडम जी, ऐसा पेचीदा केस आज तक थाने में नहीं आया। अच्छा है, और मैं भी एक सामने से ना कमरा आ चुका था, तांगा आ चुका था बल्कि। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह, सदके जाऊं मैं तुम्हारी यकसानियत के। अड्डा तू मुबशर लकमान। खैर, अब जरा मुझे ठंडे दिमाग से समझाओ, तुमने पैसे मांगे थे या खर्चा? पैसे। पैसे किस लिए मांगे थे? जरूरत थी मुझे। मैं बताता हूँ मैडम जी आपको, कहती है ब्लैक फ्राइडे की सेलें चल रही हैं, मैंने शॉपिंगें करनी है। अब आप बताएं मुझे कि मैं इसके खर्चे पूरे करूं या शॉपिंगें कराऊं, क्या करूं मैं? ओए देख बल्लो। ओ मैडम जी, बल्लो नहीं बिल्लो है यार। ओए पागला, वो दूसरा सेगमेंट है, चुप कर जा। अच्छा जी, अब मेरी बात सुनो। और शॉपिंग जो होती ना, औरत का बुनियादी हक होती है, थोड़ी बहुत शॉपिंग तो करा देता उसे। मैडम जी आपके सर की कसम। ओए खबरदार, तूने हमारे सर के बारे में कुछ कहा, हमारे सर बहुत अच्छे हैं। मैडम जी मेरा यकीन करें, सीजन शुरू होते इसको मैंने ढेर सारी शॉपिंग कराई थी। अब ये कहती है ब्लैक फ्राइडे की जो सेल है वो शुरू हो गई है और मैंने उसकी भी शॉपिंग करनी है, है कोई बात करने वाली? आप खुद बताएं। ओ शुक्र है जी, मेरी बीवी ऐसी नहीं है। तो वो कैसी है? ओ बिल्कुल सादी है जी, उसे मिड सीजन, एंड सीजन और ब्लैक फ्राइडे बिल्कुल पता नहीं है जी। और मार तुझे फिर भी लेती है। वो एक अलग बात है। चुप करो तुम दोनों, तूने उसे शॉपिंग नहीं करानी थी, तू ना कराता, लेकिन तू उस पे हाथ तो ना उठाता ना? मैडम जी पहले इसने की थी, मैंने तो हिफ्ज़े माते कदम में हाथ उठा दिया था फिर। यानी कहानी घर घर की। अच्छा भी ऐसा है कि भाई तुम्हारे पास इस वक्त तो दो ऑप्शन हैं। काश मेरे पास दो ऑप्शन होते मैडम। ओए बकवास बंद करो, या तो तू उसे शॉपिंग करा या फिर तू हवाला आ जा, पता क्या करना है? अगर शॉपिंग करानी पड़ी तो 10,000 का खर्चा आएगा, और अगर हवालात गया तो 2,000 दे के छोड़ जाऊंगा। मैं ऑप्शन बी के साथ जाऊंगा मैडम जी। हैं? वाह जी वाह, सदके जाऊं मैं तेरे। हैं बड़ा तू इथे, ओए तू थाना शुगलपुरा में आया हुआ, कोई केबीसी में नहीं आया हुआ? ऑप्शन बी। ओए जेडी। जी मैडम। हवालात में ले जाओ उसे, बंद करो। चल लग गए तू वड़ा, चल। एक ते मैं सोनी, उत्तो मैं फर्ज शनास। ओए बुलबुल राणा, नहीं तेरा कोई जवाब। खवातीन के शादियों पर ज्यादा बंद समर कर जाने पे पाबंदी आयद की जाए। जी पर सही क्यों? खवातीन शादियों पे ज्यादा बंद समर कर जाती हैं और फिर एक दूसरे से जलती हैं, इसकी वजह से फिजाई आलूदगी में इजाफा होता है। हाँ हाँ, कितना खूबसूरत मौका था हुकूमत गिराने का, लेकिन इत्तेहादियों ने वो किया जो सेमीफाइनल में हसन अली ने किया था। ओए कोरोना दे दरमियान 1.5 साल तुहानू घर बैठा के खवाया है, हले भी तुहानू बधाई चाहिए है। और तुहाडा फर्स्ट सिटी ए साडा हक के, हक के भाई हक के, हक के भाई हक के, साडा हक एथे रख। बीना जी, बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचा है आपने? बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में तो हमारी गवर्नमेंट नहीं सोच रही, तो मैं कैसे सोच सकती हूँ? बीना जी मैं आपके अपने बच्चों की बात कर रहा हूँ। यू मीन माई किड? देखिए जी, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल तो मेरे चेहरे की तरह रोशन है। चुकी है हुकूमत पंजाब का रोग।
बुजदार मनाए सोग कहे ये स्मोग है मेरे मन का कोई रोग। घूटे उसके भाग कूड़े को जो लगाए आग दिसू मैं उसको बन के नाग फिरू मैं बन के तेरा स्मोगी। इस वक्त भी बुजदार साहब आवाम को स्मोक से बचाने के लिए सड़कों पर घूम रहे हैं। आइए देखते हैं कि कैसे घूम रहे हैं। दिल्ली और लाहौर के दरमियान फिजाई आलूदगी का कांटेदार मुकाबला जारी है। ओ साईं आप फिक्र ना करें, हम ये मुकाबला बड़ी लीड से जीतेंगे। साईं साईं ये मैच जीतने के लिए आलूदगी बढ़ानी होगी या कम करनी होगी? ओ यार तुम्हें किसने मशीन रखा है? साईं आपने आपने नॉट आउट जी नॉट आउट। हमें जल्द अज जल्द स्मोक पर काबू पाना होगा और याद रखना स्मोक के मामले में मैं किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं करूंगा। और सही महंगाई के मामले में? वो मैं कर लूंगा, मेरा मतलब है उस पे भी काबू पा लेंगे। सबसे पहले स्मोक का खात्मा जरूरी है, आओ चलें। सबसे पहले शादियों पर शाम है दुआं दुआं इस गाने पर पाबंदी आयद की जाए। ठीक है सही, शाम है धुआं धुआं नहीं चलेगा। खवातीन के शादियों पर ज्यादा बांध संवर कर जाने पे पाबंदी आयद की जाए। जी पर सही क्यों? खवातीन शादियों पे ज्यादा बांध संवर कर जाती हैं और फिर एक दूसरे से जलती हैं, इसकी वजह से फिजाई आलूदगी में इजाफा होता है। वाह सही वाह वाह, लोग ऐसे ही कहते हैं कि आप बोलते कम हैं, उन्हें क्या पता कि आप सोचते ज्यादा हैं। वो धुआं कहां से उठ रहा है? सही वो धुआं किसी फैक्ट्री से उठ रहा है सही। और ये फैक्ट्री अभी के अभी बंद होनी चाहिए। सही कैसी बात कर रहे हैं आप? सही अगर फैक्ट्री बंद हो गई तो मजदूर जो है सड़कों पर निकल आएंगे और टायर जलाएंगे, फिर सही आलूदगी में बहुत इजाफा होगा सही। और ऊपर से आपकी हुकूमत में पहले ही बेरोजगारी ज्यादा हुई है। हैं? ये मैं नहीं कह रहा, अदादो शुमार कह रहे हैं। ओ सही फैक्ट्री को छोड़ें, कुछ और देखें सही। और ये धुआं कहां से उठ रहा है? वो सही किसी ने कूड़े को आग लगाई है सही। ओ इसकी इतनी जरूरत? कूड़े को आग लगाने पे सख्त पाबंदी है, पकड़ो इसे। ओ सही किधर जा रहे हैं सही? सही अगर कूड़े को आग नहीं लगाई तो जगह जगह कचरे के ढेर बन जाएंगे, और अगर वो ढेर मीडिया ने दिखा दिए ना सही तो सफाई पर सवालात उठेंगे सही। शहर की सफाई के हवाले से हम पर पहले ही बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है सही। और फिर ऐसा क्या किया जाए कि लोगों को लगे कि हम स्मोक के खात्मे के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं? सही फिक्र ना करें, कोई हल निकल आएगा सही। सही वो देखें वो क्या हो रहा है? ये इतने सारे लोग एक साथ सिगरेट पी रहे हैं, आओ चलें। ओए क्या कर रहे हो तुम लोग? कुछ नहीं सर, वैसे ही खड़े हैं। ओए तुम लोगों को पता नहीं कि शहर में दफा 144 नाफिज है? ओ जनाब हम कौन सा मोटरसाइकिल पर बैठे हुए हैं? ओए आगे से जुबान चलाते हो? ओ सर जुबान नहीं, हम चिंची भी चलाते हैं। और चिंची चला के हम घर चलाते हैं। ओए शहर की फिजा पहले ही आलूदा है, तुम सिगरेट पी रहे हो? ओ सर ये सादा सिगरेट है। ओए मुझसे ज्यादा सादा है? ओ सर मेरा मतलब है ये सादा सिगरेट है, इसमें कुछ मिलाया नहीं है। ओए मेरी हुकूमत में कोई मिलावट कर भी नहीं सकता। ओए सेक्रेटरी पुलिस को बुलाओ और इनको गिरफ्तार करवाओ। जी सर। सर सर हमने क्या किया है? ओए तीन तीन लोग बैठकर सिगरेट पी रहे हो, फिजाई आलूदगी में इजाफा कर रहे हो, स्मोक का बायस बन रहे हो, लोगों की जिंदगियों के साथ खेलते हो और फिर पूछते हो कि हमने किया क्या है? और गिरफ्तार कराओ इन्हें। जी सर। और आज हमने स्मोक की एक बड़ी वजह पे काबू पा लिया है। वाह सही वाह 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 सही वाह वाह। महंगाई एक आलमी मसला बन चुकी है, ऊपर से हमारी मौशत का जो हाल है कोई भी पार्टी हुकूमत में आने का रिस्क ले नहीं सकती। अरे भाई ये मैं नहीं कह रही, तजिया कार कह रहे हैं। ऑपोजिशन चाह कर भी हुकूमत नहीं गिरा सकती, लेकिन एक शख्सियत ऐसी है जो चाहती है कि हुकूमत ऐसे गिरे जैसे आंधी में जामुन गिरते हैं। समझ तो आप गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। 73 के आइन के तनाजुर में
सियासत करने वाले कम न होंगे तेरी बैठक में, लेकिन हम न होंगे सियासत। आहा, कितना खूबसूरत मौका था हुकूमत गिराने का, लेकिन इत्तेहादियों ने वो किया जो सेमीफाइनल में हसन अली ने किया था। मौलाना देखिए, आप अपने दिल छोटा मत कीजिए, एक दिन हमारा टाइम आएगा और जरूर आएगा। हजरात गिरामी, हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम जीता हुआ मैच हार गए हैं। मौलाना देखिए, जो जीत कर बाजी हारता है लोग उसे ही बाजीगर कहते हैं। लेकिन हजरात गिरामी, उस फिल्म में तो शाहरुख खान मर गया था। मरे इतना शोखा, सारा मूड खराब कर दिया आपने। देखें सरदारी साहब, एक तो मैं इस बात से परेशान हूँ कि जब भी हुकूमत गिराने का माहौल बनता है तो शरीफ फैमिली का कोई ना कोई नया कट्टा खुल जाता है। हाँ हाँ, इन्हीं कट्टों के खौफ से हमने अपनी खुरली अलहदा कर ली। देखिए हजरात गिरामी, मैं जमहूरियत के माथे का झूमर हूँ, आपको मेरे बगैर सियासत कैसे अच्छी लग सकती है? मौलाना आपको तो कश्मीर कमेटी, डीजल का परमिट और बंगला नंबर 29 चाहिए। मौलाना ये हुकूमत गिराने का वक्त मौजू नहीं है। हजरत गिरामी, वो कौन सा वक्त मौजू है 73 के अन के तनाजुर में? देखिए देखिए मौलाना, मईशत जरा बेहतर हो जाए, कर्ज थोड़ी कम हो जाए, और वैसे भी खजाना भरेगा तो हुकूमत करने का मजा आएगा ना। आप मेरी बेकरारी को समझ नहीं पा रहे, आप मेरी जगह आकर जरा सोचिए। मैं पागल ना, हद कर दी मौलाना, जो आपकी जगह आके सोचो। हजरत गिरामी, मेरे कहने पर आपको एक बार और हुकूमत गिराने की संजीदा कोशिश करनी चाहिए। अरे मौलाना मौलाना, कुछ होश की नाखून ली। मौलाना आपका हाल उस आदमी जैसा है जो ये चाहता है कि कुर्बानी से पहले ही मुझे पाए मिल जाएं, बकरा पवेटा से खिलार दियो। शोका। देखिए सरदारी साहब, मुझे तो कभी कभी आपकी नियत पर शक होने लगता है। अफसोस, सद अफसोस कि आपको हमारी नियत पर शक है, आपको यकीन होना चाहिए था। बैठे रहिए हाथ पे हाथ धर के, मैं अकेला ही काफी हूँ। देखिए जरदारी साहब, पहले तो मैं इन जाली हुक्मरानों को बहिरा अरब में फेंकना चाहता था, लेकिन अब वेन्यू चेंज है, अब मैं काहिल हुक्मरानों को बैरुल काहिल में फेंकूंगा। मैं चैन से नहीं बैठूंगा, मैं जा रहा हूं, हो सके तो मुझे रोक लीजिएगा, रोक लीजिएगा मुझे। मैं जा रहा हूं। मौलाना तुझको आना होगा। हम जा रहे हैं। तुझको आना होगा। ओए कोरोना दे दरमियान डेढ़ साल तुहानू घर बैठा के खवाया है, हले भी तुहानू बधाई चाहिए है। और तुहाडा फर्स्ट सिटी ऐसा डा हाके हाके भाई हाके हाके भाई हाके साडा हाके ऐसे वाक। बीना जी, बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचा है आपने? बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में तो हमारी गवर्नमेंट नहीं सोच रही, तो मैं कैसे सोच सकती हूँ? बीना जी, मैं आपके अपने बच्चों की बात कर रहा हूँ। यू मीन माई किड्स? देखिए जी, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल तो मेरे चेहरे की तरह रोशन है। यहाँ वक्त हुआ है एक मजेदार से सेगमेंट का, आइए देखते हैं।
Wow, sweetheart, wow. मेरे घर आई एक नन्नी परी, मेरे घर आई एक नन्नी परी। Oh, no, no, my love, ये क्या सांग हुआ? वो गाना गाओ, दिया रानिया हाय, होके ना जमिया ते किन्ना ले जानिया, वाह वाह वाह। मैं तेने ढोला तेरे पीछे पीछे आनिया, होके मजबूर तेरे तारे ले मैं पानिया, इशे के दा रोग बुरा तेनू समझानिया, हाय सोनिया दिल दा मामला, हीरिया दिल दा मामला, वे सोनिया दिल दा मामला, किड़गिड़ गीने किड़गिड़ गीना किड़गिड़ गीना किड़गिड़ गीना पम। हाँ, जीवे खाखी ते जीवे खाखी ते माँ प्यो, ते मैं ऐना, तो मैं हम मीना, ते मैं डीका। जब आप खुशी बखाई ते पागा वाली आई ते सानु देव वधाई। नहीं तो सिर्फ हैक कर लांगे वाईफाई। हाँ ते फिर देंदे फिर होगी दुहाई। लेकिन वधाई तक का कह दी होंडी है ये ते फिर काकी है। काके की वधाई तो पाकिस्तान में होती है, इंडिया में होती है, इंग्लैंड में काका हो या काकी बस वधाई होती है। ओ माय गॉड, ये किस तरह के खुश रहे हैं, इतना खुर्रा खुसरा हमने पहली बार देखा है। ऐ तुसी किते लॉकडाउन दे दौरान देख देना थानू जय की शरफ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਸਨ ਸਾਡਾ ਤੇ ਟਰਾਲਾ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਜਿਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੌਲਾ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਖਾਈ ਤੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵਧਾਈ। ਹਜ਼ਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਪਾਉਂਡ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਪਾਉਂਡ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੌਂਡ ਦੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਈ ਮੀਨ ਸ਼ੀਮੇਲ ਹੋ। ਵੇਲੇ ਰਹਿ ਰਹਿ ਅਸਾਂ ਅੱਕ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਮਸੇ ਮਸੇ ਤੇ ਕੰਮ ਖੁੱਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ 11-11 ਪਾਉਂਡ। ਹਾਂ 11-11 ਪਾਉਂਡ, ਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, 1000 ਪਾਉਂਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੈਨੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਹਾਂ 1000 ਪਾਉਂਡ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜੀਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਵਾਟ ਪੰਜੀਰੀ? ਹਾਂ ਪੰਜੀਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ 1000 ਪਾਉਂਡ, ਅਸੀਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਐਮਸਟਰਡੈਮ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡੈਮ ਦਾ ਜੰਦੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੜੀ ਇੰਜ ਨਾ ਕਹੋ ਇਹਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ 1000 ਵੀ ਡੱਕ ਲੈਣਾ। ਹਾਂ ਮਰੋ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬੈਚਲਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਚ ਕਿਹੜਾ ਸਿੰਦੂਰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਓਏ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 1.5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਖਵਾਇਆ ਹੈ, ਹਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਸਟ ਸਿਟੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕੇ ਹੱਕੇ ਬਈ ਹੱਕੇ ਹੱਕੇ ਬਈ ਹੱਕੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਖੁਸਰੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਪਰ ਐਡੇ ਲਿਚੜ ਖੁਸਰੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਮਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਮੰਗਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗ ਕੇ ਵਖਾਂਦਾ ਕਿ ਵਧਾਈ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯੈਸ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ 1000 ਪੁੰਡ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹੋ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 ਪੌਂਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 1000 ਨਹੀਂ ਤੇ 500 ਪੌਂਡ ਤੇ ਕੱਢੋ ਨਾ, ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਜਿਵੇਂ ਲੱਕੜ ਦਾ ਬਾਂਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 500 ਪੌਂਡ ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੀ ਇੱਕ ਢੇਲਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਢੇਲੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਿਆ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, 11-11 ਪੌਂਡ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਇੰਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਸਾਡਾ 1000 ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ 11, ਕੱਢੋ 12-12 ਪਾਉਂਡ। ਹਾਂ ਖੈਨੀ ਬਾਜੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਬੇੜੇ ਹੀ ਕਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡਾ ਗਮਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਨੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ ਤੇਰੀ ਅਮੀ ਜਿੱਡੀਆਂ ਮੈਂ। ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਜੀ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਠਾਨ ਅਗਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾਲੇ ਦੱਸਦਾ ਜ਼ਰਾ। ਹਾਂ ਖੈਨੀ ਪਠਾਨ ਹੀ ਕਹਿਤਾ, ਪਠਾਨ ਬਣਾਤੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈ। ਅਬ ਮਰੋ, ਉਹ ਵੇਲੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸੋ। बीना जी, बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचा है आपने? बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में तो हमारी यू नो गवर्नमेंट नहीं सोच रही, तो मैं कैसे सोच सकती हूँ? बीना जी, मैं आपके अपने बच्चों की बात कर रहा हूँ। यू मीन माई किड? देखिए जी, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल तो यू नो मेरे चेहरे की तरह रोशन है।
अभी तक तो आपने एक से बढ़कर एक सेगमेंट देखे हैं, लेकिन ये सेगमेंट देखने के बाद अब हंसने पे मजबूर हो जाएंगे। तो देखे कौन सा सेगमेंट है। बीना जी, दूसरी शादी का ख्याल कैसे आया? जैसे मुझे पहली शादी का ख्याल आया। पहली शादी का तजर्बा नाकाम रहा है, अब आप फिर तजर्बा करने जा रही हैं। क्या इस बार आप कामयाब हो पाएंगी? देखिए, जिंदगी मुसलसल तजर्बों का नाम है, और जिस तरह हम किसी इंसान को एकेडमी का दर्जा देते हैं, इसी तरह मैंने खुद को यूरोप लेबोरेटरी का दर्जा दे दिया। रीना जी, वो जो ऑडियोज लीक हुई थी उनका क्या बना? किसकी? मेरी या मरियम नवाज की? ओह वीना जी, आपकी। देखिए, अफसरों और सियासतदानों की वीडियोस लीक होती हैं, लेकिन यू नो एक्टर्स की तो लीक की जाती है। समझते तो सी गए होगे। वीना जी, क्या आपको ऐसा खाना चाहिए जो शोबिज में काम करने से ना रोके? देखिए, रोका तो मुझे पहले ने भी नहीं था, अब यू नो तो मुझे काम नहीं मिल रहा, तो इसलिए मैंने शोबिज से किनारा किसी इख्तियार की हुई। वीना जी, आपकी कोई नई फिल्म आ रही है? देखिए जी, आप जैसे भाइयों की दुआएं रहेंगी साथ, तो मैं अनकरीब शादी की फिल्म में आपको नजर आऊंगी इंशाल्लाह। दुआ कीजिएगा, प्लीज प्रे फॉर मी। वीना जी, बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचा है आपने? बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में तो हमारी यू नो गवर्नमेंट नहीं सोच रही, तो मैं कैसे सोच सकती हूँ? बीना जी, मैं आपके अपने बच्चों की बात कर रहा हूँ। यू मीन माई किड्स? देखिए जी, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल तो यू नो मेरे चेहरे की तरह रोशन है। बीना जी, जब बच्चे पूछते हैं पापा कहाँ हैं, कब आएंगे, तो फिर आप क्या बताती हैं? जी नो, जब मेरे बच्चे पूछते हैं तो मैंने ये कहती हूँ कि तुम्हारे पापा जरूर आएंगे। बीना जी, न्यूट्रल होकर बताइए कि असद कैसे इंसान है? यू नो, असद बहुत नाइस पर्सन है, इकोनॉमी पे काफ़ी नज़र रखते हैं, देखें सियासत को भी समझते हैं, और मैं तो उनकी 7 फुट हाइट से भी बहुत ज़्यादा इंप्रेस हूँ। यू नो, ही इज़ वेरी टॉल एंड हैंडसम। मेरे ख्याल से उनको एज ए वजीर खजाना और टाइम देना चाहिए था, मौका देना चाहिए। वीना जी, इन्होंने असद खटक का पूछा है, आप असद उमर का बता रही हैं। नो कमेंट्स प्लीज। वीना जी, आपको कैसा खामन चाहिए? बस यू नो दीनदार हो। अब बात करिए वीना जी। ओह माय गॉड, आपकी पसंद आपके सामने है, बताएं कब बारात लेके आऊं? मुझे जहेज भी नहीं चाहिए। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि आप लोग दीनदार हैं, लेकिन आप लोग वो नहीं है। कम से कम वो शख्स फैक्ट्री और मिलों का ऑनर तो हो, तानु ते तनख्वाह भी टाइम पे नहीं मिल दिया। ओह माय गॉड। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का शो पटारी, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पटारी का नया अंदाज आपको कैसा लगा है, हमारे फेसबुक पेज पे हमें लिख के बताइए, और अब पटारी का यूट्यूब चैनल यानी पटारी भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि पटारी की फ्रेश एपिसोड्स आप फौरी तौर पे देख सकें। जी नाज़रीन, आज के शो से मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।